बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का मानना है कि यूएई में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला में अपनी विविधताओं का यूज करते हुए काफी ठीक लग रहे थे, जिसे वो न्यूजीलैंड के साथ साथ आईपीएल के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह से जारी रखना चाहते हैं। मुस्तफिजुर और शाकिब अल हसन को आईपीएल के लिए एनओसी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इंग्लैंड के बांग्लादेश दौरे को पुनर्निर्धारित किया गया है। मुस्तफिजुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपने मौजूदा फॉर्म से खुश हैं और इसे जारी रखना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे विश्वास है कि मैं न्यूजीलैंड आईपीएल और आईसीसी टी20 विश्व कप के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए फिट हूँ, क्योंकि मैं अभी अच्छी लय में हूँ और इसे जारी रखने की उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आईपीएल में खेलने से प्रदर्शन करने में मदद मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आप वहां सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तुलना में वहां अच्छा कर सकते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करते हैं और यदि आप सफल होते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और मुझे यकीन है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर मैं आईपीएल में अच्छा करता हूं तो निश्चित रूप से मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा जो विश्व कप के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको बताते चलें कि मुस्तफिजुर का आईपीएल से पहले कैरियर काफी कम था। अभी आईपीएल 2021 के टूर्नामेंट में 8 विकेट चटका चुके हैं। अपने इस प्रदर्शन पर मुस्तफिजुर का मानना है कि आईपीएल के प्रदर्शन ने उनमें विश्वास जगाया है, जिसके लिए वे रॉयल्स के कोचिंग स्टाफ विशेष रूप से बल्लेबाजी कोच सिड लहरी के आभारी हैं, जिन्होंने उनकी मदद की। वो कहते हैं कि सिड लहरी ने मेरी बहुत मदद की, साथ ही मैं हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता हूं जब भी मैं सिड लहरी के साथ रहता हूं। गौरतलब है कि 25 साल के इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में बांग्लादेश की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ऐसा लगता है कि वो अपनी ताकत के अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसे कटर और धीमी गेंद डालना। अपनी वीकनेस पर उन्होंने कहा कि मुझे अपने बैक हैंड स्लो डिलीवरी पर काम करने की जरूरत है, मुझे इस पर काफी नियंत्रण है लेकिन इसे और तेज करने की अभी जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।